और बे चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया करने, कुछ नई सी ट्रिक के साथ। सर्दियों का टाइम है, ऐसे टाइम में हमें जैकेट चाहिए होते हैं, कोट चाहिए होते हैं, स्वेटर चाहिए होते हैं, उन्हें लपेटना बहुत ही मुश्किल, और उनको जगह इतनी घिरती है कि हम अलमेरा में आ ही नहीं पाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ऐसे टाइम में जब हमें ट्रैवलिंग में कहीं जाना है तो उसे अटैची में कैसे रखे जाएँ छोटी सी तह करके, जिससे उनकी प्रेस भी ख़राब ना हो। और हाँ, चादर जो होती हैं, चादर तो हम नॉर्मल लपेट के रखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि चादर को हम कैसे पलंग पर अच्छी तरीके से बिछा सकें, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। लेकिन आज की जो ट्रिक है वो चादर, वो वाली जो इलास्टिक वाली चादरें होती हैं, उनको तह करना बहुत ही मुश्किल है। उनको हम कैसे तह करें, कैसे हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से अलमेरा में जमा कर रख सकें, बहुत ही कम जगह में रखें और साथ में उनके कवर भी हों और उनके कुशन कवर भी हों, जिससे वो गुम भी ना हो। तो चलिए देखते हैं उन्हें हम कैसे करने जा रहे हैं। ये इलास्टिक वाली चादर हम क्यों लेते हैं, जिससे इलास्टिक वाली चादर ना अच्छे से फिट हो जाती है। तो बस आज मैं दिखाऊंगी कि वो इलास्टिक की चादर को हम कैसे लपेटें। सबसे पहले चादर को आप खोल लीजिए और जो इलास्टिक के कोने होते हैं उन दो को दो में फंसा दीजिए। इसी तरीके से जब चारों कोने एक तरफ हो जाएं, तो एक तरफ उसे थोड़ा सा मोड़ दीजिए, दूसरी तरफ भी मोड़ दीजिए। ये देखिए, अब ऊपर से एक फोल्ड ले लीजिए इस तरीके से, फिर दूसरी तरफ से साइड से फोल्ड कर लीजिए, अब दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लीजिए उसी के ऊपर। बस ये छोटी सी तह हो गई, लीजिए। अब इसके ऊपर रखते हैं तकिए के खोल, जिससे वो कभी भी हमें टाइम पे मिल जाए। साथ में रख दिए मैंने कुशन कवर। अब इलास्टिक वाले को मोड़ते हुए ये इस तरीके से ऊपर रख लीजिए। ये देखिए कितनी छोटी तह में हमने चादर लपेट ली ना। ये इलास्टिक वाली चादर हम लेते तो हैं लेकिन इन्हें रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कितना आराम से हमने छोटी तह कर दी। अब आप रख लीजिए अलमेरा में। अब इसको क्या करेंगे, हम अलमेरा में वन बाय वन एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, बहुत सारी चादरें आ जाएंगी। नहीं तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मेरे पास छोटी सी बास्केट है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक दो तीन, तीनों ही चादर मेरी इलास्टिक वाली हैं। ये देखिए इस तरीके से छोटी सी बास्केट में तीनों चादर आ गई हैं। अब आप रख दीजिए अलमेरा में उठाकर। ये देखिए अब चलते हैं हम कोट को। सबसे पहले तो कोट को हम हैंगर में रखते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास हैंगर वाली जगह बहुत ज़्यादा नहीं होती है और सर्दियों में हमारे काफ़ी सारे गर्म कपड़े निकल जाते हैं। तो ये देखिए, ये ड्राई क्लीन वाले जो होते हैं कैसे तह करके रखते हैं। ये देखिए कोट को मैंने बैक साइड किया, एक बहुत अच्छे से उसको स्लीव्स को रखा और स्लीव्स के ऊपर ही मैंने एक फोल्ड दे दिया है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी करूँगी। ये देखिए ऐसा करने से बिल्कुल प्रेस भी खराब नहीं होती है। अब ये जो एक हिस्सा था वो दूसरे हिस्से के अंदर डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तह हो गई है। अब बिल्कुल भी ना तो इसकी प्रेस खराब होगी, ना ही हमें हैंगर में डालने की जरूरत है। अब आप चाहे अटैची में रखें, कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप चार कोट भी एक साथ ले जा सकते हैं, वरना कोट को ले जाना अटैची में बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखिए इसी तरीके से मैं जैकेट ले रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारी बिल्कुल प्रेस खराब नहीं होगी। ये देखिए उल्टा करके इसे मोड़ दीजिए, कॉलर भी बिल्कुल ठीक रहता है और बिल्कुल छोटी जगह में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चाहे हम अलमेरा में रखें तब भी बहुत ही ईजी हो जाता है। सर्दियों का टाइम है, ऐसे में हम रोज़ अलग अलग कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े, लेकिन गर्म कपड़ों को रखना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तह भी हो गई और इसके ऊपर और आप बहुत सारे कपड़े रखते जाइए इसी तरीके से लपेटते हुए। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो मोटी मोटी जैकेट होती हैं उन्हें कैसे लपेटें।
और कहीं हमें बाहर जाना हो तो उन्हें हम छोटे पैक में कैसे ले जाएं, ये देखिए। इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए, ये स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कीजिए, जो इसकी हुड है उसको आप ऊपर लपेटते हुए इसी के अंदर दबा दीजिए, ये देखिए। हो गई ना कितनी बढ़िया सी तह, ये देखिए। इसी तरीके से मैं दूसरी जैकेट भी करके दिखाती हूँ। बहुत ही कम जगह में हमारे सारे गर्म कपड़े रखे जा सकते हैं। अब यहां देखिए, कुछ जो कॉटन के भी कपड़े होते हैं ना, उनको भी हम इस तरीके से भी लपेट सकते हैं, ये देखिए। नॉर्मल हम इस तरीके से तो लपेटते ही हैं, अब इसकी तह हम कैसे कर रहे हैं ये देखिए। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये मेरा आइडिया? पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।